अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक छोटी सी वीडियो। यार आज मैंने सोचा कि आपके साथ पबजी लाइट की एम असिस्ट की सेटिंग जो होती है उसके बारे में थोड़ा सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो आपको पता भी होगा और जिन्हें नहीं पता वो भी ये वीडियो देखें और ज़रूर ट्राई करें, आपकी एम अच्छी हो जाएगी और जो आपकी एम लगेगी उस टाइप एनीमे की एड पर लगेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार इसके क्लोज होता है, एक एम होती है, लाइट होती है, मीडियम होती है और एक हैवी होती है। तो मैं हैवी पे खेलता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी हैवी पे है, ठीक है। और जब बोट मेरे पास है तो मैं इसे दूर रख के मारूंगा, ये डायरेक्ट बोट की तरफ इसे कैच करेगी। और यहाँ पे इसे मैं अभी लाइट पे करके खेलूँगा। लाइट पे ये होगा, लाइट पे इतनी ये नहीं कैच करती, बोट के ऊपर इतने नहीं लेके जाती, बस उधर से ही फायर लगते रहते हैं। ये लाइट पे इतना वो नहीं कैच करती भाई। अभी इसे ना मैं मीडियम पर खेलूँगा। मीडियम पर यह होता है कि नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर नहीं वो लेके जाती। ये मीडियम है, अभी मैं हैवी करके खेलूंगा, देखना। हैवी पे ये होता है जब आप एनिमी को मारते हो ये डायरेक्ट ना एनिमी के ऊपर जाके लगती है, ये से खुद कैच कर रही है। तो यार जब आपके पास एनिमी हो तो वो जब जिगल कर रहे हो तो उसका ना आप अगर हैवी पे खेलोगे तो उसको ऑटोमेटिक उसके ऊपर एम जाके लगेगी, और अगर क्लोज पे होगी तो फिर आपको खुद, अगर आपकी गेम अच्छी है तो आपकी खुद जाके आपको मारनी पड़ेगी उसके ऊपर। और ये देखो, ये अगर मेरे सामने जिगल भी करेगा ना तो फिर भी इसे खुद कैच कर रही है ये। तो इसका ये फ़ायदा होता है यार हैवी का और लाइट क्लोज ये। तो यार ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आप भी ट्राई करो इसे, जिन्हें नहीं पता था वो भी ट्राई करो यार, तो आपकी गेम भी ठीक हो जाएगी इससे। तो यार ये थी एक छोटी सी वीडियो यार, अगर चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये बड़ा अपना ख्याल रखना यार, लव यू।